व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक हॉरर मूवी होने वाली है जिसका नाम है नो वन गेट्स आउट। सो गाइज, ये एक बहुत ही कमाल की हॉरर मूवी है जिसकी एंडिंग बहुत ही अलग तरह की है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही पुराना प्रोजेक्टर फिल्म दिखाई जाती है और ये समय है 1963 का, जगह है मैक्सिको और कुछ लोग जंगल में किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों इन लोगों को कई लाशें मिलती हैं जिनके सर कटे होते हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे इनकी बलि दी गई हो। वेल, इसके बाद इन लोगों को एक बॉक्स मिलता है कुएं से और ये बॉक्स क्या है, कैसे ये काम करता है, ये कहानी इसी के बारे में जो कि इसे खास बनाती है। तो गाइज़, इसकी कहानी मुझे काफ़ी अलग लगी बाकी मूवीज से, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। तो यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने डैड से बात कर रही होती है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी परेशानी में है और तभी अचानक से लाइट चली जाती है, उसे कुछ आवाज़ें आती है। जब ये लड़की आवाज़ के पीछे जाती है तो वहाँ एक बॉक्स दिखता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो पूछती है कि हेलो, वहाँ कौन है? तभी वो बॉक्स हिलने लगता है और कोई साया इस लड़की को मार देता है। इसके साथ ही हमें तितलियाँ दिखाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ से सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम कहानी की मेन किरदार को देखते हैं जिसका नाम है एम्बर। एम्बर स्पेन से आई है और इलीगल तरीके से वो अमेरिका में आई है। उसके पास कोई आईडी नहीं है इसलिए वो एक मोटल में रुकती है और मोटल वाला बोलता भी है कि आप बिना आईडी के ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुक सकती। अब एम्बर को जल्द से जल्द आईडी बनवानी होगी। एम्बर अपना गुजारा करने के लिए एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करती है जहाँ उसे एक सस्ते रूम का ऐड दिखता है। वो खुश हो जाती है और ये जो रूम था ये होटल था, बस लड़कियों के लिए था। अब ऐसा क्यों है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एम्बर तुरंत ही उस रूम के लिए निकल जाती है जहाँ उसकी मुलाकात रेड से होती है जो कि इस घर का मालिक है। बेसिकली ये घर एक पीजी की तरह होता है जहाँ लड़कियाँ रह सकती थी। रेड उसे रूम में ले जाता है लेकिन रूम की हालत थोड़ा ख़राब होती है। अब एम्बर पूछती है कि यहाँ कितने लोग रहते हैं। रेड कहता है कि एक और लड़की रहती है जिसका नाम है फ्रेया और दूसरी तुम हो। अब रेड उसे एक महीने का एडवांस किराया मांगता है। एम्बर के पास पहले पैसों की कमी है लेकिन ये रूम सस्ता है और वो पैसे दे देती है। अब एम्बर अपनी माँ का वॉइस मेल सुनती है जो कि स्पेन में रहती है। इसी टाइम एम्बर को फ्लोर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो नीचे देखती है तो फ्रेया रो रही थी। एम्बर को कुछ गड़बड़ लगती है लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके सो जाती है। अब अगले दिन जब वो जॉब पर जा रही होती है तो फ्रेया से मिलती है और पूछती है कि तुम कैसी हो, लेकिन फ्रेया बहुत ही अजीब बिहेव करती है और बोलती है कि रेड बहुत ही बुरा आदमी है, तुम यहाँ से निकल जाओ। अब एम्बर को ये बात समझ नहीं आती कि फ्रेया ऐसा क्यों कह रही है, वो अपने काम पर निकल जाती है। लेकिन अभी भी उसकी आईडी नहीं बनी है और उसे आईडी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो अपनी दोस्त से जो कि उसके साथ काम करती है उसे बोलकर एक आईडी बनवाने को कहती है। लेकिन आईडी बनाने वाला $3,000 मांग रहा था और एम्बर के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे होते हैं। एम्बर अपने अंकल के पास जाती है जॉब के लिए। उसके अंकल बोलते हैं कि तुम हमारे बेटे को स्पेनिश सिखा देना, इसके बदले तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसके अंकल पहले उसकी आईडी लाने को बोलते हैं। एक्चुअल में उसने अपने अंकल से झूठ बोला था कि वो यहीं पर पैदा हुई है। अब उसको आईडी की और ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हर जगह उसे आईडी मांगी जा रही है। इसके बाद एम्बर घर आती है जहाँ उसे फिर से बेसमेंट से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो बेसमेंट चेक करती है तो वहाँ ताला लगा था। उसी टाइम वहाँ रेड भी आ जाता है और उसे बेसमेंट से जाने से मना करता है। वो कहता है कि ये एक प्राइवेट स्पेस है, यहाँ पर जाना मना है। एम्बर रेड से अपना डिपॉजिट वापस मांगती है क्योंकि उसे आईडी बनवानी थी। लेकिन रेड भी बहुत ही चालाक होता है दोस्तों। वो बोलता है कि तुम्हारे पैसे अभी खर्च हो गए हैं, अब तुम्हें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। अब जब एम्बर के पास कोई रास्ता नहीं है वो रूम में चली जाती है और फिर से उसे फ्रेया की रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो उसके रूम में जाती है तो रूम खुला हुआ था और फ्रेया वहाँ से गायब थी। ऐसा लग रहा था कि अचानक से फ्रेया वहाँ से गायब हो गई। तो एम्बर को ये सारी चीज़ें देख के कुछ अजीब लगता है, उसे समझ नहीं आता कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है। वेल, अगले दिन एम्बर फिर से अपनी माँ को याद करती है जो कि बहुत ही बीमार थी। एम्बर को अपनी माँ के पास एक बॉक्स देता है जो कि बहुत ही अजीब होता है, उसमें अजीब तरह से हाथ बाहर निकल लेते हैं। ये वही बॉक्स होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसे देखकर एम्बर डर कर सपने से उठ जाती है। ये उसका एक सपना था, शुक्र है। लेकिन इस सपने के बाद उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है, जैसे जॉब पर उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे से खड़ा है और उसे कोई उसे पकड़ रहा है। वेल, इन सब बातों से परेशान होकर एम्बर अपनी दोस्त के साथ पब में थोड़ा इन्जॉय करने जाती है। एम्बर अपनी दोस्त को बताती है कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है। उसने अपने अंकल से बोला है कि वो आईडी लेके आएगी लेकिन अभी तक उसकी आईडी नहीं बनी है।
यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि एम्बर की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद ही एम्बर ने यहाँ आने का फैसला किया और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करी। पर ये सब सुनकर एम्बर की दोस्त उसे बोलती है कि जो पैसे चाहिए तुम वो मुझसे ले लो और बाद में मुझे लौटा देना और आईडी अपनी बनवा लो। ये सुनकर एम्बर बहुत ही खुश हो जाती है और जो भी पैसे उसके पास थे वो उसे दे देती है और कहती है कि इन पैसों को मिलाकर जल्द से जल्द मेरी आईडी बनवा दो। अब एम्बर खुश होकर अपने घर में आती है, लेकिन घर में घुसते ही उसे एक आदमी दिखता है जो कि डोर पर अपना सर मार रहा था। एम्बर ये देखकर डर जाती है और भागकर अपने रूम में जाती है, जाकर वहाँ सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसे वहाँ दो और लड़कियाँ दिखती हैं जो कि इस होटल में रहने आई थी। इनके नाम होते हैं मारिया और पैट्रिया। ये दोनों भी अकेली होती हैं और एम्बर इन दोनों से बातें करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ रेड आ जाता है और वो दोनों लड़कियों से वहाँ जाने को कहता है। एम्बर रेड से पूछती है कि वो आदमी कौन था जो डोर पर सर मार रहा था। रेड कहता है कि वो मेरा भाई है जिसका नाम बैक है, जिसकी दिमागी हालत थोड़ा ठीक नहीं है। वेल गाइज, जब अगले दिन एम्बर जॉब पर जाती है तो उसे अपनी दोस्त नहीं दिखती जिसे उसने पैसे दिए थे। अब वो अपने बॉस से इसके बारे में पूछती है कि वो लड़की कहाँ गई। उसके बॉस कहते हैं कि उसने जॉब छोड़ दी और वो चली गई है और उसने एक बार भी मुझे बताया भी नहीं, अचानक से उसने जॉब छोड़ दी। अब दोस्तों ये सुनकर एम्बर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि सारे पैसे उसने अपने दोस्त को दे दिए थे और वही एक दोस्त ने ही उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, वो पैसे लेके भाग गई। अब ये सब देख कर ये सब सोच कर एम्बर बहुत ही दुखी हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बार बार उसे कॉल कर रही थी कि शायद वो कॉल उठा ले, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। एम्बर अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो उदास होकर घर पहुंचती है और शाल लेने लगती है, लेकिन तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। जब एम्बर पर्दा हटाती है तो वहाँ कोई नहीं होता, जैसे कि हर बार हमारा चूतिया काटा जाता है। अब यहाँ पर भी वही हुआ था। अब यहीं पर उसे रेड मिल जाता है तो एम्बर फ्रिया के बारे में उसे पूछती है। वो कहता है कि फ्रिया यहाँ से जा चुकी है। रेड ये भी बोलता है कि मेरे पास पैसे आ चुके हैं जो तुम्हें चाहिए थे, मैं तुम्हें कल वो दे दूँगा। और ये सब सुनकर एम्बर अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए, लेकिन सोने से पहले वो एक बार अपनी माँ की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनती है जिससे कि उसे थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। लेकिन तभी उसे फिर से किसी के रोने की आवाज़ आती है और तभी दोस्तों उसे एक विजन दिखता है जिसमें एक लड़की रो रही थी और उसके सामने एक और लड़की खड़ी थी। वो उसे कह रही थी कि मुझे तुम्हें तैयार करना होगा वरना आर्थर हम दोनों को मार देगा। इसी पल विजन में आर्थर उस लड़की को पकड़ कर यहाँ से ले जाता है और पूरे घर की लाइट फ्लिकर होती है। ऐसा लग रहा था कि इस घर में आत्माएं हैं जो कि एम्बर को कुछ दिखाना चाहती हैं। एम्बर नीचे जाती है जहाँ वो लड़की रो रही थी। एम्बर उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे कोई खींच कर रूम में ले जाता है। ये सब देख कर एम्बर समझ जाती है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ चल रहा है। वो तुरंत ही अपना बैग पैक करती है और बैग के पास जाती है। बैग दोस्तों रेड का भाई है जिससे कि दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। एम्बर उसे पूछती है कि रेड कहां पर है। वो बोलता है कि रेड अभी नहीं है, जब वो आएगा मैं तुम्हारे पास उसे भेज दूंगा पैसे देने के लिए। और एम्बर वहां से तुरंत ही निकलकर बाहर एक मोटल में रहने जाती है, लेकिन कोई भी उसे होटल नहीं दे रहा था, मोटल नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके पास आईडी नहीं थी। एम्बर थक हार कर मेट्रो में जाती है जहां उसे फिर से वही बॉक्स दिखता है जिसमें से एक हाथ बाहर आ रहा था। इसी पल उसकी आंख खुल जाती है और यह भी उसका एक सपना था। अब एम्बर को हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो रेड को मिलने के लिए बुलाती है उसके पैसे वापस लेने के लिए, और रेड भी वहां आ जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं पैसे लेके यहां पर नहीं आया हूं, तुम्हें पैसे लेने के लिए मेरे घर पर चलना होगा। एम्बर वहां नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। वो वापस घर चली जाती है रेड के साथ। घर में उसे मारिया और दूसरी लड़की दिखती है जो कि ड्रिंक कर रही थी। अब रेड उसे एक रूम में ले जाता है और एम्बर उसे पूछती है कि मेरे पैसे कहाँ पर है। वो उसे पैसे मांगती, लेकिन तभी रेड यहाँ पर एक कहानी बताना चालू कर देता है कि ये घर मेरे डैड का है और मेरे डैड ने ही मेरी मॉम को मारा है। ये सब सुनकर एम्बर यहाँ से डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन इतनी आसानी से वो कैसे जा सकती है। अब रेड उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता, लेकिन मेरा भाई बेकर, उसको तुम्हारी ज़रूरत है। और तभी बैक रूम में आ जाता है और ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक पिलाने लगता है। ड्रिंक पिलाकर उसे उस रूम में बंद कर देता है और तभी रूम में मारिया और पैट्रिया आती हैं। पैट्रिया एम्बर से कहती है कि बैक बहुत ही पागल इंसान है, वो सनकी है, वो हमें मार देगा, हमें यहाँ जल्द से जल्द भागना होगा। वो बोलती है कि बैक दिन में सोता है और तभी हमें भागना होगा। एम्बर कहती है कि ज़रूर उसने बाकी लड़कियों को बेसमेंट में बंद करके रखा होगा। तो मारिया कहती है कि ये घर बहुत ही अजीब है, हमें अलग अलग चीज़ें दिखाता है ये घर, मुझे मेरा बेटा दिखा जो कि मर चुका है। और वो उस बॉक्स के बारे में भी बताती है जिसको एम्बर अपने सपने में बार बार देख रही थी। तीनों लड़कियाँ गेट को बंद कर यहाँ पर सो जाती हैं, आराम करने लगती हैं, वो सुबह होने का वेट करने लगती हैं। और इसी बीच एम्बर को अपनी दिखती है जो कि उसे अपनी तरफ बुला रही थी।
तभी उसे बहुत सारे लोगों की आत्माएं भी दिखती हैं और इसी पल एम्बर की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि बेक और रेड मारिया को घसीट कर यहाँ से ले जा रहे हैं। एम्बर उन्हें बचाने की कोशिश करती है लेकिन बेक उसे धक्का देके रूम में बंद कर देता है। और इसी पल हम देखते हैं कि एम्बर के अंकल डोर पर आ जाते हैं उसे ढूंढते हुए और रेड उन्हें बोलता है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है। लेकिन वो एम्बर की जैकेट देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो घर में घुस जाते हैं एम्बर को ढूंढने के लिए और एम्बर उन्हें दिख जाती है। एम्बर जोर जोर से चिल्लाती है कि अंकल प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। उसके अंकल उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी पीछे से बैक आता है और उन्हें जान से मार देता है। एम्बर ये देखकर रोने लगती है और पूरी तरह से टूट जाती है और अपने रूम में शांत होकर बैठ जाती है। उसे लगने लगता है कि अब वो मर जाएगी, उसे बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है। अब बैक दोस्तों दोबारा से आता है और इस बार वो दूसरी लड़की को यहाँ से ले जाता है। हमें पता नहीं चल रहा है कि वो लड़कियों को ले जाकर क्या कर रहा है और जाते जाते बैक बोलता है कि अगला नंबर अब एम्बर का है। एम्बर पूरी तरह से डरी हुई बैठी है। वो रेड से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो गाइज यहाँ पर मूवी का प्लॉट रिवील होता है और हमें पता चलता है कि इस घर में एक्चुअल में क्या चल रहा है। रेड एम्बर को मिट्टी लगा रहा था, ये ऐसा लग रहा था कि अब उसकी बलि चढ़ने वाली है। रेड बोलता है कि मेरा भाई बीमार था और उसके इलाज के पैसे नहीं थे हमारे पास, लेकिन मेरी मॉम डैड उसके इलाज करवाना चाहते थे और फिर हम बैग को लेकर घर पर आ गए। इसी बीच बैग उस बॉक्स के साथ अपना समय बिताने लगा और धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। हमने अपनी मॉम और डैड को भी मार दिया और उस बॉक्स को बलि चढ़ा दिया, इस वजह से मेरा भाई पूरी तरह से ठीक होने लगा। मतलब दोस्तों ये दोनों भाई उस बॉक्स को लोगों की बलि चढ़ाते हैं और फिर वो बॉक्स लोगों को ठीक कर देता है। मतलब जो आदमी उसके लिए बलि चढ़ाएगा वो बॉक्स उसको ठीक कर देगा। ऐसा ही इन लोगों ने बहुत सारी लड़कियों को मारा था। अब एम्बर रेड से बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ तुम यहाँ से मेरे साथ चलो, तुम्हारा भाई बैक पागल है, वैसे करके बहुत लोगों को मारता जाएगा। लेकिन रेड उसकी बात नहीं मानता, वो अपने भाई का साथ देता है और तभी यहाँ पर बैक आ जाता है एम्बर को लेने के लिए। वो एम्बर को उठा के बेसमेंट में ले जा रहा था और उसके पीछे पीछे हम बहुत सारी आत्माओं को देखते हैं जिन्हें बैक ने मारा था। वो सभी एम्बर की तरफ देख रही थी लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सकती थी। वेल अब बैक एम्बर को बेसमेंट में एक रूम में ले जाता है और यहाँ किसी तरह का रिचुअल चल रहा था। बैक मारिया की बॉडी को वापस ले जाता और हम देखते हैं कि मारिया का सर कटा हुआ था, उसका सर उसकी बॉडी से अलग था और ये सीन बहुत ही भयानक होता है। वेल अब बैक एम्बर को बांधकर वहां से बाहर चला जाता है और फिर वो बॉक्स खुलता है दोस्तों, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इससे पहले उसमें से कोई बाहर आए, एम्बर के अंकल यहां आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। जी हां दोस्तों, वो अभी जिंदा हैं, वो उसे छुड़ाते हैं। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके अंकल यहां से गायब हो गए हैं और सामने उसे अपनी बीमार माँ दिखती है जिसकी अब मौत हो चुकी है। और फिर दोस्तों हम रियल एम्बर को देखते हैं जो कि अभी भी बेहोश होती है और जंजीरों से बंधी होती है। मतलब ये सब जो उसे दिख रहा है, जो उसे विजन दिख रहा है, वो उसे बॉक्स दिखा रहा है, उसकी माँ को उसे बॉक्स दिखा रहा है। अब यहाँ पे इसके बाद एक अजीब सा क्रिएचर उस बॉक्स से बाहर निकलता है जो कि देखने में बहुत ही भयानक होता है। उसके सर उसके दोनों पैरों के बीच में थे और यही वो क्रिएचर है जो लोगों की बलि लेता है, वो लोगों के सर खा जाता है। और इसी दौरान ये क्रिएचर एम्बर को विजन भी दिखाया जा रहा था ताकि एम्बर होश में ना आए और वो उसे आराम से खा सके। लेकिन दोस्तों एम्बर को अपने विजन में अजीब चीज़ों का महसूस होता है, अजीब चीज़ों का एहसास होता है और वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन उसकी माँ यहाँ उसे रोकती है, उसे ज़बरदस्ती रोकती है और उसका गला दबाने लगती है और एम्बर समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये उसकी असली माँ नहीं है। वो अपनी माँ को ही वहीं मार देती है और इसके साथ ही असली दुनिया में उसकी आँख खुल जाती है। और दोस्तों जैसी एम्बर की आँख खुलती है वो क्रिएचर डर कर बॉक्स में वापस चला जाता है। मतलब ये क्रिएचर सिर्फ बेहोश इंसान की बलि लेता है, ये क्रिएचर जिंदा इंसान से डरता है और उसे खा नहीं सकता। अब इस क्रिएचर के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लूँ अगर, तो इसके अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे ये इंसान को विजन दिखा सकता है ताकि वो बेहोश रहें और वो उनकी बलि ले सके। जो भी बलि चढ़ाता है ये क्रिएचर उन्हें हील कर देता है, उन्हें पूरी तरह से ठीक कर देता है। अगर वो बलि देते रहें तो वो अमर भी बन सकते हैं, वो कभी उनकी मौत नहीं होगी, वो हमेशा से जवान रहेंगे। अब जो कि एम्बर आज़ाद हो गई थी वो सीधा रेड के पास आती है और उसे बुरी तरह से मारती है। उसके मारने के बाद वो बैक पर हमला करती है लेकिन बैक उसे ओवरपावर कर देता है और उसे बुरी तरह से मारता है। वो इतनी बुरी तरह से उसे मारता है कि उसकी पैर की हड्डियां तोड़ देता है। और लास्ट में बैक उसे मारने वाला होता है लेकिन एम्बर एक पत्थर से उसका गला काट देती है और मार मार कर उसका सर को कुचल देती है। वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। अब बचा था दोस्तों रेड। एम्बर रेड के साथ वही करती है जैसे वो बाकी लड़कियों के साथ करता था, वो उसे चेन से बांध कर उस क्रिएचर के आगे छोड़ देती है और फिर दोबारा से वो क्रिएचर उस बॉक्स से बाहर निकलता है और रेड का
सिर खा जाता है। दोस्तों ये बॉक्स एक डायमेंशन की तरह दिखाया गया है, या फिर मैं बोलूं कि एक पोर्टल की तरह दिखाया गया है, जो कि दूसरी दुनिया में खुलता है, जिससे कि ये क्रिएचर या फिर ये एलियन वहाँ से आ सकता है। अब रेड के मरने के बाद एम्बर आज़ाद होती है, लेकिन तभी उसे वहाँ रेड की आत्मा दिखती है जो कि इस घर में कैद हो चुकी थी। वेल यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिसकी भी बलि यहाँ पर दी जाती है उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस घर में कैद हो जाती है, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। अब फाइनली सबको मारने और काटने के बाद एम्बर यहाँ से बाहर जाने लगती है। वो देखती है कि उसके जख्म जो उसकी चोट थी वो ठीक होने लगी है और उसकी टूटी हुई हड्डी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसे कभी चोट लगी ना हो, पर ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको पता चल चुका होगा। ये सब देखकर एम्बर वापस घर की तरफ मुड़ जाती है और अब वो उस बॉक्स की पूजा करने वाली है और वो भी बलि चढ़ाएगी क्योंकि उसे भी अमर रहना है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को आसान भाषा में अगर समझाऊं मैं तो ये दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे एक मजबूर आदमी एक मजबूर इंसान का पूरी दुनिया फ़ायदा उठाती है। पूरी दुनिया के साथ साथ उसके जो दोस्त होते हैं, जो अजनबी होते हैं, वो भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि एम्बर यहाँ इस देश की नहीं थी, वो बाहर से आई थी, उसका हर कोई फ़ायदा उठाना चाहता था। और ये इसी मैसेज के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी, ये हॉरर कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।